शादी का मंडप सजा है, दूल्हा भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, वरमाला की तैयारी हो रही है, बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ जयमाला का। शादी में मौजूद सभी सगे संबंधी बस इसी इंतजार में खड़े हैं कि वर वधु को और वधु वर को वरमाला पहना दे और शादी की रस्म शुरू की जाए। मगर फिर क्या होता है? वो होता है जो ना किसी ने सोचा था और ना कोई सोच रहा होगा। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया। जी, हो सकता है कि पहली नजर में आपको सही से समझ ना आया हो कि हो क्या गया। एक बार फिर से रिटेक लेते हैं, देखिए जरा। जी, दूल्हा तैयार था, दुल्हन भी तैयार थी, मगर जनाब आए और सिंदूर से मांग भर गए। जी, कहानी तो फिल्मी लगती है मगर है बिल्कुल सच्ची, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मगर इस रियल कहानी का अब ट्विस्ट भी देखिए, क्योंकि इश्क मियां ने ये सोचा था कि फिल्मों में जैसा होता है वैसा ही होगा। शादी में जाऊंगा वरमाला से पहले, दुल्हन की मांग भर दूंगा तो दुल्हन के बगलगीर उसका स्वागत करेंगे, परिवार वाले गले लगा लेंगे, कहेंगे आओ आओ जवाई मियां, आप ही का इंतजार था, दूल्हे का जोड़ा उसे पहना देंगे। मगर हो गया बिल्कुल उल्टा, क्योंकि शादी में अब बारी थी दावत की। दावत तो ऐसी मिली कि जनाब इश्क मियां का हुलिया बदल गया। ध्यान से सुनिए, अपनी हरकत के बाद जब जनाब का इश्क का भूत उतरा तो पूरा का पूरा हुलिया क्यों बदल गया, सुनिए जरा। बात करते थे। अच्छा, तो घर वाला मतलब जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा, उसका घर वाला जबरदस्ती उससे शादी उसका शादी कर रहा था। तो बोली कि जयमाला पे आके डाल देना या मंडप बना के डाल देना, सिंदूर डाल देना। तो तुम जयमाला पे चढ़ करके सिंदूर डाल रहे थे, इसी दौरान दोनों पक्ष के लोग तुमको पीटा? नहीं, खाली लड़की देने वाला पीटा। खाली लड़की देने वाला पीटा। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। कहाँ घर है? मुबारकपुर। लड़की का क्या नाम है? ललिता। कितने साल से अफेयर चल रहा? 13 से 14 महीना। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 9 में। तो पहले ही पढ़ते थे, पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दिया? कितना दस साल पहले पढ़ाई छोड़ा? 2 साल पहले। 2 साल पहले लड़की साथ में पढ़ती थी तब? ऐसा नहीं है कि प्रेमी ने अपनी मर्जी से ये सब किया, बकौल आशिक इसकी पूरी प्लानिंग प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने मिलकर बनाई थी। इश्क मियां ये बताते हैं कि प्यार हुआ, इजहार हुआ, मैडम ने बोला कि शादी से पहले मांग भर देना, मगर इसके बाद क्या करना मोहतरमा ने ये नहीं बताया था। नतीजा ये हुआ कि जनाब की अच्छी खासी सुताई हो गई। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल प्रेमी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, अपने दिल के जख्मों पर भी मरहम लगवा रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश के मुरादाबाद का ये किस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हर गली मोहल्ले में चर्चा की कहानी बनी हुई है। हर कोई जानने को बेताब है कि आशिक की ये कुटाई की असली कहानी क्या है। हर कोई छटकारे ले लेकर एक दूसरे को वीडियो शेयर कर रहा है। ट्विटर पर तो इस वक्त जमकर सुर्खियां बटोर रहा है ये वीडियो। तो साहिब कदरदान, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। प्यार मोहब्बत वफा बेवफाई के किस्से और कहानियाँ फिल्मों में होती हैं, मगर मध्य प्रदेश की इस कहानी में एक लड़का है, एक लड़की है और एंड में आशिक की सुताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।